कम ऑन, सांप की तरफ बढ़ चुके हैं, 30 seconds crossed. Out. Come on. Cut man. Out. Cut. से रास्ता सबका ध्यान दें तो
उस पर विशेष फोकस है हमारा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का। थैंक यू सर। तो उनको वो व्यवस्था दी है हमने जो है कि EMI स्कीम भी दी है कि जो एक संग नहीं दे सकता है तो 2 साल से लेके 8 साल 10 साल तक जो है उनकी EMI पे धीमे धीमे छोटी छोटी पेमेंट दे सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। सर ये तो पहला आपकी बहुत अच्छी है, इससे क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि आदमी अपने लिए तो सब जीते हैं, बट आपने भी कभी सरल किया हो ताकि हमारा एक मकान हो जाए, एक घर हो जाए, हम आप जो भी है रोटी कपड़ा मकान, मैंने आपसे पहले ही कहा मकान जो है सबसे बेसिक नीड होती है, आप तो बॉम्बे में बेहतर जानते होंगे, तो उस पर विशेष फोकस है कि उनको ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ। आपने लोगों के लिए मकान के बारे में सोचा, ये सोच आपको आई कैसे लोगों के? क्योंकि मैडम हम उस रास्ते से हम खुद गुजरे हैं, मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब मैं निकला तो मैं जब बाहर से जाते थे तो अपने मकान किराए पर नहीं देता था, तो मन कहता था अपना मकान हो तो कितना अच्छा होगा, तो हम चाहते हैं कि आगे की जनरेशन में या जो बाहर मेहनत कर रहे हैं उनकी संग दिक्कतें ना हो, और बजट हाउस बजट स्पेस उनको मिल जाए, क्योंकि सबसे पहले हम कहीं जाते हैं तो ये बेसिस फोकस होता है भाई कोई चीज़ अपने बजट में है कि नहीं है, बजट में नहीं है तो हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं, तो इच्छा ना मारना पड़े और उसको हम प्रोवाइड कर सकें, मतलब कह सकते हैं कि आम पब्लिक के दर्द को आप अपने साथ लेके जी, जी 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 मतलब आम के दाम गुठलियों के दाम। और जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो दूसरों के लिए कमा के दे रहे हैं, बड़े लोग तो कहीं भी ले लेते हैं मकान, छोटे लोग जो मिडिल क्लास है लोअर क्लास है बम्बई में देखा जो चालों में बसे हुए हैं किस तरह से रह रहे हैं, जबकि पूरा बम्बई का एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो उनके बिना नहीं चल सकता, अगर वो हट जाए यहाँ से जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी यहाँ के लोगों को दिक्कतें आएंगी जो है, जो बम्बई चल रही है जो है तो उसमें काफ़ी योगदान है हमारे उत्तर भारतीयों का, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है, लेकिन उनके लिए यहाँ कोई सोचने वाला नहीं है, कोई भी बात होती है कुछ भी होता है तो आप उत्तर भारतीय हो, ये चीज़ बहुत गलत है, वो सबके लिए जीते आपके लिए तो जीते हैं, तो उनके बारे में सोचना तो चाहिए जो है, मेरा तो अपना ऐसा मानना है। सर जो पहल सरकार ने की नहीं की वो आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का नहीं, सरकार भी कर रही है, सबसे पहले सरकार ही कर रही है, हम लोग कैमरा लोक सेंटर हम लोग तो बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत उससे हमारा तो बहुत छोटी सी कोशिश है, सरकार ने तो बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है जो, उनके सामने हमारा ये बहुत छोटा सा योगदान है जो, एक पहल है जो है, अब देखिए आप लोगों के सहयोग से और सबके लिए एक अच्छी चीज़ मिल सके, यही एक जो है इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिल रहा है आपको, हम चाहते हैं कि उनका भी सपोर्ट मिले जो है, कोशिश अब हमारे हैं डिपार्टमेंट के लोग जो है उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं लोग, ऐसा नहीं है जो उनकी तरफ से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लोग आ ही रहे हैं आप जैसे लोग देख ही रहे हैं, लोगों को पता तो चले कि भाई ऐसी भी योजना है, अभी तो लोगों को पता ही नहीं कि भाई ऐसी भी योजना है हमारे यहाँ, इसलिए आप लोग आए जो आप लोग का ये जो है कि भाई सबके पास ये मैसेज पहुँचे जो है कि अच्छी चीज़ जो सबके लिए काम हो, जिंदगी का एक सपना, हमारा सपना सबका हो घर अपना, सब यही चाहते हैं सबके लिए, थैंक यू। Ajinagar of Mumbai suburban district in the Maharashtra Legislative Assembly. So thank you so much for coming today. ओके सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाइए। आशीष कुमार जी द डायरेक्टर एंड द फाउंडर
इरफान खान के डायरेक्टर, एवरीवन टू प्लीज कम फॉरवर्ड. आई ऑल्सो रिक्वेस्ट आवर जीएम दैट इज अनुज श्रीवास्तव टू प्लीज कम फॉरवर्ड. ऑल्सो के मार्केटिंग डायरेक्टर विश्वजीत श्रीवास्तव टू प्लीज कम फॉरवर्ड. कम ऑन तालियां और जय. कम ऑन. पहले रिबन काटेंगे इसके बाद राइट. वैसे हो गए तालियों से तो स्वागत कर ही दिया, अभी इनका यू नो फूलों से भी स्वागत करेंगे. थोड़ा वीडियो पीछे सर साइड से. यस श्योर. भगवान तालियों से स्वागत है गंगोत्री रामकुमार. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. रो भाई चलेगा चलेगा कोई बात. खुशी का मौका है. गंगोत्री ग्रुप्स ने यहाँ अपना काम शुरू किया है. इसके डायरेक्टर हैं आशीष कुमार साहब एंड मिस्टर इरफान खान, अनुज श्रीवास्तव, विश्वजीत श्रीवास्तव. मैं पिछले दिनों लखनऊ में था, मुझे इरफान साहब मिले और उन्होंने बुलाया, मुझे खुशी हुई. मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके इस यहाँ बिजनेस शुरू करने से बहुत सारे लोगों को इसमें कम ईएमआई में काम उनका होगा, डेवलपमेंट का काम अच्छा होगा और कम से कम हमारे जो उत्तर भारतीय यहाँ पे जो अपना गांव घर छोड़ करके मुंबई में रोजी रोटी कमाने आए हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनको इस गंगोत्री ग्रुप से खास तौर से फायदा मिलेगा, मुझे पूरी इसकी उम्मीद है. थैंक यू सो मच. इसी बात पे जोर का तालियां हो जाए. दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. बहुत ज्यादा इनको मैं दुआ करता हूँ कि इनका काम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और इससे समाज के दबे कुचलों को फायदा पहुंचे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे. वेरी अप्रिशिएट. कांग्रेचुलेशंस गंगोत्री ग्रुप को. अभी बहुत चल रहा है, मेरे को खत्म हो गया. ग्रुप के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक बिजनेस प्लस समाज के वो लोग जो नीडी हैं, जो एक साथ इतने पैसे दे करके प्लॉट्स नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उन लोगों को कम ईएमआई पे और विदाउट इंटरेस्ट काम शुरू करने वाले. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनकी सोच है, जो इनकी नीयत है वो पूरी हो और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा मिले और इनका बिजनेस अच्छी तरह चले, ये मैं दुआ करता हूँ और इसीलिए यहाँ आया हूँ. ये जवाबदारी आपकी थी, आपके कंधे की जवाबदारी इन्होंने हल्की कर ली है, ऐसा महसूस नहीं? नहीं देखिए, अच्छा है, वो जो लोग भी अच्छा काम करते हैं उन्हें मदद करना चाहिए. मैं उम्मीद करूँगा कि ये ज़रूर जो इनकी नीयत है उसी तरह अच्छा काम करेंगे और इस तरह से जो लोग काम करें हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए. सर बात करें, जैसे कि आप हमेशा उत्तर भारतीयों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके हर समय सुख दुख में आप साथ देते हैं, ये ऐसे में गंगोत्री ग्रुप आया है तो मुझे कितना सहयोग आपका? नहीं, सहयोग तो पूरा करूँगा मैं. अब ये तो बिजनेस मैन है, मैं तो आदमी हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरा जहाँ भी महाराष्ट्र सरकार में कोई ज़रूरत पड़ेगी 100% हम लोग खड़े रहेंगे. और समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, हमारा कारपोरेशन में हमारा दबदबा है, हम असम्बली में हैं, काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है. और सिर्फ उत्तर भारती की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ही मुंबई में हैं नीडी हैं उनको मदद होना चाहिए. अब खासतौर से हम लोग चूँकि यूपी के रहने वाले हैं और जब यूपी वालों को यहाँ कोई सताता है, परेशान करता है, तो ऐसा लगता है कि ज़रा उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि ये किसी के बाप की स्टेट नहीं है. सब यहाँ रहने वाले, चाहे मराठी हो, चाहे उत्तर भारतीय, पंजाबी, गुजराती, जो लोग ही मुंबई शहर में हैं उन सब ने मिल करके मुंबई शहर को डेवलप किया है, इसको विकसित किया है, इसलिए इसमें सबका खून शामिल है.
चलते चलते काकरे सवाल सर, भारत माता के जय किस प्रकार से वारिस पठान ने कहा? देखिए ये सब जो है ऑटो की राजनीति है, हम सब इस देश में रहते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि कोई भारतवर्ष में रहकर भारतवर्ष के खिलाफ है। लोग चिढ़ा रहे हैं, लोग इसको एक इशू बना करके अपने वोटों को बंटवा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हम नहीं कहेंगे, एक तरफ कह रहा आपको कहना पड़ेगा, तो एक अपना वोट बना रहा है, एक अपना वोट बना रहा है। इससे समाज के अंदर एक वो जो है अलगाववाद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इस देश में रहते हैं, हमें राजनीति में इतना ज़्यादा नहीं गिर जाना चाहिए कि हम लोग एक लाइन खींच दें उसके अंदर। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इस बात से ज़रूर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक अलगाव पैदा हुआ है, उसे दूर करना चाहिए। हम सबको ऐसी चीज़ें लाने नहीं चाहिए, ऐसी इश्यू बनाने की जरूरत ही नहीं। सपा का स्टैंड क्या है, भारत माता की जय कहना चाहिए या नहीं? देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, सपा का स्टैंड क्या है, और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भारत माता की जय बोलने के लिए कोई इनकार कर रहा है। लेकिन आप मुझे दोस्ती पकड़ कहेंगे भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो, तो तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? भाई मुझे पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और इसके बोलने या ना बोलने से कोई लगता नहीं कि कोई कोर्ट ने भी कह दिया कि इसके बोलने नहीं बोलने से कहीं कोई ये नहीं होता है कि कोई देशद्रोही हो जाता है। देशद्रोही के लिए नहीं, सिर्फ ये चिल्लाने से नहीं होता, जरूर सरहदों पे चलो, जब जरूरत पड़ेगी तो सरहदों पे जो लोग जान देते हैं अपने, वो प्रत्यक्षता के वफादार कौन है? घर के अंदर बंगले में बैठ करके भारत माता की जय बोलना या वंदे मातरम कहना, उससे कुछ नहीं होता है। देश के लिए जान देने के आगे खड़े रहना चाहिए, और ऐसी कोई भी चीज़ कभी जबान से नहीं निकलना चाहिए जिससे जनता के बीच में ऐसी कोई चीज़ जाए जिससे लगता है कि ये लोग देश के खिलाफ है। जी बात करें सर गंगोत्री ग्रुप का, हम क्या डिस करेंगे पूरे ग्रुप को, गंगोत्री ग्रुप को जो आज यहाँ पे एक नया उन्होंने पहल के, उनको क्या विश करना चाहेंगे? विश करना इनको, मैं इनको दिल की गहराई से बधाई दे रहा हूँ कि इनकी दिन दूनी रात चौगुनी इनकी तरक्की हो और ये समाज के दबे कुचलों के लिए काम करें, तो मुझे खुशी है। विश ऑल द बेस्ट।